बदमाशों की तस्वीरें देख रहे हैं जिन्होंने करनाल में रंबा चौकी के पास लूट की वारदात को अंजाम दिया था। जी हाँ, 7 बदमाशों ने 14-15 तारीख की जो रात है उसको एक ट्रैक्टर ट्रॉली को लूट लिया था जिसमें तकरीबन 5 लाख का धान था। आप देख सकते हैं कि 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। करनाल की जो CIA 1 शाखा है उसने गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है जबकि 2 जो आरोपी हैं वो अभी भी पुलिस रिमांड पर हैं। ये वो ट्रैक्टर ट्रॉली भी आप देख सकते हैं जो इन बदमाशों ने लूटी थी, गन पॉइंट पर लूटी थी। 14-15 तारीख नवंबर की रात को ये 7 बदमाश एक ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर को गन पॉइंट पर लूटते हैं, उसे सोनीपत ले जाते हैं और सोनीपत ले जाकर वो इस ट्रैक्टर ट्रॉली को लूट लेते हैं और उस ड्राइवर को वो बांध देते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं। ये पूरी वारदात गन पॉइंट पर अंजाम दी गई थी। आप देख सकते हैं कि इस ट्रैक्टर ट्रॉली में तकरीबन 5 से 6 लाख का धान है, साथ ही साथ उस ड्राइवर के, उस किसान के वो पैसे भी ले जाते हैं और बाकी जो सामान, कीमती सामान उस व्यक्ति के पास था वो भी उससे लूट लिया जाता है। लेकिन CI 1 की जो शाखा है उसने मुस्तैदी दिखाई और 7 आरोपियों में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है जबकि 2 जो आरोपी हैं वो अभी भी पुलिस कस्टडी में हैं। ये वो सिपाही हैं, ये वो पुलिस के जवान हैं जिन्होंने इन आरोपियों को पकड़ा है। और एक टीम बनाई गई थी क्योंकि 14-15 तारीख की रात को ये वारदात को अंजाम दिया गया था, तकरीबन 10 से 11 दिन हो गए थे और ऐसे में पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इन 7 में से 3 आरोपियों को सोनीपत से गिरफ्तार कर लिया। आप देख रहे हैं इनकी तस्वीरें, इन्होंने गन पॉइंट पर ट्रैक्टर ट्रॉली को लूटा 14-15 की रात को और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया। मैं दिखाना चाहूँगा ये तस्वीरें ट्रैक्टर ट्रॉली की जिसे लूटा गया था, इस ट्रैक्टर ट्रॉली को लूटा गया था, इसमें तकरीबन 5 से 6 लाख का धान है और साथ ही साथ जो ड्राइवर था उसका जो कीमती सामान था, जो उसके पास पैसे थे उसे भी वहाँ पर लूट लिया था। ये पूरी वारदात करनाल की रंबा चौकी के पास हुई थी और उसके बाद उसको वहाँ से पकड़कर सोनीपत ले जाया गया था। ये 7 बदमाश जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया है वो सोनीपत के रहने वाले हैं, जिनमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये 2 आरोपी हैं जो अभी भी पुलिस कस्टडी में हैं। इन 7 में से 4 का पुराना भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। आप देख सकते हैं कि इन बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। मैं आपको एक बार ट्रैक्टर ट्रॉली दिखाना चाहूँगा। ये वो ट्रैक्टर ट्रॉली है जो 14 और 15 तारीख की रात को लूटा गया था, जिसे इसमें तकरीबन 5 से 6 लाख का धान है। तमाम धान की बोरियां हैं क्योंकि धान का सीजन है और आप देख सकते हैं कि इसे लूटकर ये लोग सोनीपत ले गए थे। साथ में इस ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर को भी ले गए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ड्राइवर इस पूरी बात की जो खबर है वो पुलिस को ना दे दे, इसलिए ड्राइवर को सोनीपत ले गए, वहाँ पर बांधा, उसे मारा पीटा और मारने और पीटने के बाद इस पूरी वारदात को अंजाम देकर उन्होंने तकरीबन 5 से 6 लाख का जो धान है वो लूट लिया था। हालांकि बेचने से पहले ही इस पूरी वारदात को पुलिस ने सुलझा लिया और 7 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जी सर, क्या कहें, क्या मामला है? ये दिनांक 14 और 15 की रात को रंबा चौकी एरिया से एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो धान से लोडेड था सहारनपुर से करनाल आ रहा था, पिस्टल पॉइंट पर उसको उसके ड्राइवर को बंधक बनाकर लूट लिया गया था और ड्राइवर को सोनीपत के खुबड़ू चौकी एरिया में नहर के किनारे सुनसान एरिया में बांध दिया गया था। इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए आज हमने इस घटना में इन्वॉल्व 3 मुलजिम अरेस्ट कर लिए हैं और जो ट्रैक्टर ट्रॉली धान से भरी लूटी थी उसको हमने बरामद कर लिया है। बाकी और कितने लोग हैं? अब 4 मुलजिम और पेंडिंग रहे हैं, टोटल 6 थे मुलजिम में वारदात, जो 3 हमने अरेस्ट कर लिए हैं और 4 पेंडिंग है। एक जो अलग अरेस्ट किया है वो हेल्प करने में था जीप उतरवाने में,
गनौर से हमने इन अक्यूज को अरेस्ट किया है सारों को। तो पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है सर? जो अभी तीन मुलजिम गिरफ्तार होने बकाया है वो एक तो थाने का बीसी है और दो के खिलाफ भी लूट के पहले कहीं मुकदमे दर्ज है। कितने का धान था तकरीबन? करीब 5 लाख का धान था, ट्रैक्टर ट्रैली अलग था। तो पिस्टल जो है ये लाइसेंस से थी? नहीं नहीं, नजायज पिस्तौल, नजायज पिस्तौल का दिखा। पहले भी ऐसे भी वारदात को अंजाम दिए हैं? ये जो अपना तीन पकड़े हैं ये तो अभी नहीं कोई वारदात में इन्वॉल्व थे, लेकिन जो तीन पेंडिंग है उनके खिलाफ कोई लूट के कहीं मुकदमे दर्ज है। तो अभी सारा सामान बरामद कर? हाँ, लगभग सामान सारा बरामद हो चुका है। उन आरोपियों को पकड़ने के लिए आप लोग क्या कर रहे? अब दोबारा टीम गठित होगी, उनको जल्द से जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सारे सोनीपत के रहने वाले? सारे सोनीपत में राजुलगढ़ी गांव व आसपास के रहने वाले। नशा पत्ता भी करते हैं? सुल्फा पीने के आदि हैं, उसी को पूरा करने जा रहे थे जब इनको एकदम रस्ते में और प्लान बना के ट्रैली को लूट लेते हैं, काफी पैसे आ जाएंगे और नशे का और काम इजीली कर लेंगे। ठीक है, हमारे साथ CI1 के इंस्पेक्टर दीपेंद्र राणा मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वारदात को किस तरह से अंजाम दिया गया था, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर 5 से 6 लाख का धान था और ट्रैक्टर ट्रॉली की कीमत अलग थी और ड्राइवर को सोनीपत ले जाकर बांध दिया गया था, उसके साथ मारपीट भी की गई थी। पूरी घटना कब की थी और आपको कब जानकारी मिली और आपने कब इस केस को सोल्व किया? दिनांक 14 और 15 की रात को, नवंबर की रात को, रंबा चौकी एरिया से एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो धान से लोडेड था जो सहारनपुर से करनाल आ रहा था, तो रास्ते में कुछ पिस्टल पॉइंट पर उसको लूट लिया गया था और ड्राइवर को होस्टेज लेकर उसको सोनीपत में खुबड़ू चौकी एरिया में बांध दिया गया था। और दौरान इन्वेस्टिगेशन हमने जब वहाँ ड्राइवर को बांधा, अपनी इन्वेस्टिगेशन वहीं से स्टार्ट की और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमने काम करते हुए इनको गन्नौर से तीनों अक्यूज़ को गिरफ्तार कर लिया और जो लूटशुदा ट्रैक्टर ट्रैली और जो धान था वो हमने बरामद कर लिए। टोटल कितने आरोपी थे, कितने गिरफ्तार आपने कर लिए हैं और जो बाकी बचे हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए आपकी टीम क्या काम कर रही है? टोटल जो वारदात में 6 आरोपी आए थे उनमें से हमने 3 गिरफ्तार कर लिए हैं, बाकी 4 हमारे पेंडिंग रह चुके हैं और जो अन्य 4 जो पेंडिंग है उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या टीम बना दी गई है उनको पकड़ने के लिए? रेड कर रहे हैं हम लगातार, जल्द से जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक आखिरी सवाल, इस तरह की वारदातें कई बार सर्दियों में ज़्यादा देखने को मिलती हैं क्योंकि लोग घरों में होते हैं और जो बदमाश होते हैं वो ज़्यादा चौकन्ने हो जाते हैं, तो उसके लिए अलग से पुलिस कोई टीमें तैयार कर रही है? जो ज़्यादा धुंध के और जो एकांत प्रोन एरिया उसमें हम लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग हमने CIA की तरफ से भी बढ़ा दी है, जो ब्लैक स्पॉट्स हैं तो हम जल्द से जल्द और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि अगर ट्रक जो है चलते हैं तो इकट्ठे होकर चलो, दो दो तीन होकर, बाकी रेगुलर पेट्रोलिंग हमारी चली रही है। तो ये थे दीपेंद्र राणा, जिन्होंने बताया कि 4 आरोपी जो अभी भी बचे हुए हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है, टीम बना दी गई है, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जिसमें से एक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया और 2 अभी भी रिमांड पर है। देखना ये होगा कि बाकी 4 आरोपियों को कब गिरफ्तार किया जाता है और सर्दियों के मौसम में, धुंध के मौसम में इस तरह की वारदातें बढ़ जाती हैं, उसको लेकर भी CIA 1 की तरफ से पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। इस खबर को आप ज़्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी जो लोग हैं उनको इस खबर की जानकारी मिल सके। करनाल से करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए हिमांशु नारंग।